अगर कांवड़ लाने से किसी का भला होता तो ये जितने साधु संत बैठे हैं सबसे ये संसद में नहीं जाते, जो धीरे धीरे करके एक एक संसद में आ रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी अपील आप कर रहे हैं, आपको पर केस भी हो सकता है, इसलिए भावना ठेस पहुंचाएंगे लोगों की। कोई बात ना, भावना ठेस क्या, केस मैं तो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग स्कूल की तरफ आओ, शिक्षा की तरफ आओ, उधर से हमारा भला होगा। आज एक बार पुनः समता आवाज की टीम पहुंची है दिल्ली के कोंडली में, जहां पर प्रत्येक शनिवार की बात है, इस शनिवार भी माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से ये लोग इस पार्क के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क कोंडली के अंदर, सांस्कृतिक कार्यक्रम माता रमाबाई के विचारों को लेकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर, बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर कर रहे हैं। पिछले लगभग दो महीने से आप लगातार समता आवाज़ टीवी के माध्यम से माता रमाबाई महिला संघ के तमाम वो कार्यक्रम देख रहे हैं। आज जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जब इनकी आवाज़ को भारत के बाहर और दूसरे देशों में भी सराहा जा रहा है तो इनकी उपलब्धि माना जाएगा इसको, या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए महिलाओं के अधिकार वो बोल रहे हैं। स्वागत है मीना जी आपका। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये पिछले 12 साल से चल रहा है, दिसंबर 2010 6 दिसंबर 2010 से ये हमने शुरू किया था जी। उस समय सिर्फ 4 महिलाएं थी जब हमने शुरू किया, लेकिन आज ये ग्रुप बहुत बड़ा है, 400 का ग्रुप है, और अभी हर शनिवार को तो आप देख रहे हो 50-40 महिलाएं आती हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ कम से कम 400-500 महिलाएं होती हैं जी। मतलब किस तरीके से महिलाओं की जागृति को आप देख रही हैं, जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा कि मैं उस समाज की तरक्की को महिलाओं की तरक्की से जोड़ता हूँ, किस तरह आप इसको प्रतिपादित? नहीं नहीं, महिलाएं जागृत हो रही हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जब 4 महिलाओं से स्टार्ट हुआ और 400 हैं तो कहीं ना कहीं जागृत तो हुई है, तभी 400 हुई हैं। और कार्यक्रम भी हम, आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, तो महिलाएं जागृत हुई हैं तभी वो मिशन में आने लगी हैं। आपने माता रमाबाई को ही क्यों चुना, समाज में और भी महिलाएं हैं, खुद बाबा साहब अपने आप में एक आज की तारीख में कह सकते हैं बूम है। एक्चुअली बाबा साहब का तो प्रचार सब कर ही रहे हैं, बाबा साहब का प्रचार तो संविधान एक अपने आप में है कि अगर कोई बाबा साहब का नाम वैसे भी नहीं लेगा तो संविधान है जो बाबा साहब का हर समय नाम लेगा। लेकिन माता रमाबाई का जितना त्याग था, उस त्याग को लोगों तक, महिलाओं तक नहीं पहुंचाया गया, इसलिए हमने माता रमाबाई, जबकि उनका त्याग बाबा साहब के बराबर ही माना जाता है, बाबा साहब से भी ज़्यादा। डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने के पीछे माता रमाबाई का हाथ था, और बाबा साहब के साथ अगर माता रमाबाई नहीं होती तो शायद बाबा साहब इतना काम नहीं कर पाते जो संविधान से आज देश चल रहा है, या जो हम ऐशो आराम की ज़िंदगी आज जी रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान की देन है, बाबा साहब की सोच की देन है, माता रमाबाई के त्याग की देन है। और माता रमाबाई का त्याग हमें महिलाओं तक, मेरी पूरी कोशिश है कि अभी मेरा जितना जीवन बचा है मैं इसी मिशन में लगाऊं और माता रमाबाई के त्याग तक को हर महिला, ये समझ लो कि भारत के हर महिला तक पहुंचाने का मेरा टारगेट है। मीना जी, आपको नहीं लगता आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, महिलाएं तो छोड़िए, पुरुषों तक को शिक्षा नहीं मिल रही है, और आप महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही हैं? देखिए, जब देश आज़ाद नहीं था तब एजुकेशन के मामले में हमारा समाज बहुत पीछे था, लेकिन उसमें से ही महात्मा ज्योतिबा फूले आए, उसमें से ही माता सावित्री बाई फूले आए, उसी में से बाबा साहब आए। जब उस समय ऐसे ऐसे महापुरुष आ सकते हैं निकल के, तो आज तो काफ़ी जागृत है। और जिस दूसरी बात यह कि संविधान कभी कोई भी सरकार आ जाए लेकिन बहुजनों के हक को नहीं मरने देगा, संविधान में इतनी ताकत है, हमारा काम है संविधान को बचाना, और किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं जो संविधान को ख़त्म कर दे। तो क्या देश की आधी आबादी जो महिलाओं की कही जाती है, क्या उनसे आप अपील करना चाहेंगी? माता रमाबाई के त्याग की बदौलत आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप लोग सर उठाकर चल पा रहे हैं, या जिस तरीके से बातें कही जाती है महिलाओं की शिक्षा की, महिलाओं की उन्नति की, क्या उन महिलाओं से अपील करना चाहेंगे? नहीं, मेरा सभी महिलाओं से, इस देश की जितनी भी और ख़ास तौर से बहुजन समाज की महिलाएं तो हैं ही,
लेकिन सर्वजन समाज की जितनी भी महिलाएं हैं आज वो भी जो सर उठा के चल रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं, जो अच्छा कपड़ा पहन रही हैं, आज जो आज़ादी की ज़िंदगी जी रही हैं, वो बाबा साहब की माता रमाबाई की देन है। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो एक बार बाबा साहब को ज़रूर पढ़ें, और जिस दिन वो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को पढ़ लिया, उनके भी दिमाग के सब दरवाजे खुल जाएंगे और वो भी बाबा साहब के आगे नतमस्तक हो जाएंगी। जो आज दयनीय स्थिति में है, जो गरीब है, जो परेशान है, वो अपनी इस ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है। जो बाबा साहब को पढ़ लेता है, बाबा साहब के मिशन में चलने लगता है, उसकी स्थिति अपने आप सुधर जाती है, क्योंकि वो अज्ञानी नहीं होता, वो शिक्षा की तरफ चलने लगता है। और जिस घर में शिक्षा चली जाएगी, जिस घर में एजुकेशन जाएगी, वहाँ कोई निर्धनता नहीं रहेगी, वहाँ कोई गरीबी नहीं रहेगी, वहाँ कोई नशा नहीं रहेगा, और वहाँ सभी बच्चे या उस परिवार के जितने भी लोग होंगे सब शिक्षित होंगे, क्योंकि जो बाबा साहब को मानेगा, जानेगा, पढ़ेगा, वो शिक्षित ज़रूर होगा। वो चाहे कुछ करे या ना करे, वो शिक्षित ज़रूर होगा। और जो शिक्षित हो जाएगा वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता, वो मुँह तोड़ने लायक बनेगा सबका, चाहे सरकार की, बीजेपी की हो,